जय सेवा, जय गोंडवाना सगाजनो, सभी गोंडवाना वासियों का गोंडवाना गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनो, आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी इलपुरो नेटाई बेरो यानी हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो यानी इलपुरो नेटाई बेरो का मतलब हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो सगाजनो, आज का हमारा यह टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सगाजनो आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी रचना किस प्रकार से की है, और हम अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यानी अपूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है, सेंटेंस की रचना किस प्रकार करने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में वर्ब को आईएनजी प्रत्यय किस प्रकार लगाते हैं, उसी प्रकार हम अध्ययन करने वाले हैं। सगाजनो, ये वीडियो आप देखोगे ना तो आपको गोंडी भाषा के प्रति काफ़ी यानी लगाव होगा, यानी आत्मसम्मान काफ़ी बढ़ेगा और आपको बहुत बहुत यानी गर्व महसूस होगा। जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में एक स्वयंपूर्ण लैंग्वेज है, उसी प्रकार गोंडी लैंग्वेज भी एक स्वयंपूर्ण भाषा है, ठीक है। तो सगाजनो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, ठीक है। सगाजनो, जिस प्रकार जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आईएनजी प्रत्यय लगता है, उसी प्रकार गोंडी भाषा में भी आईएनजी के समान यानी प्रत्यय लगते हैं, जैसे कि शेर, जेर, चेक, चेर, चोर, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हम इसको यानी एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं और पूरा यानी एंड तक पढ़ने वाले, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे और पूरा का यानी जैसे कि पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सगाजनो, फिर स्टार्ट करते अभी हम। अभी देखिए, विहमाळी यानी इसका मतलब हो जाता है व्याख्या यानी डेफिनेशन, ठीक है। हिद्रोप्पा नेटाय बेरोते आसेर कयुमक तांग विहमाळ किसी हंदा तांग हिदू साधो साधो नेटाय बेरोनाल एग्रो मंदा इपिते हिद्रोप्पा इत्ताल घटमाडिंगना रूपमाळ आयतोर बद वड़क नाके घड़े मायसेर मंतांग इलते लम्मो वकोत वेरी ताक्सेर मंता बलकेन बलकेन उर्नेटीता चटका सिल्ले। सगाजनो, इस वर्तमान काल में हो रहे कामों का यानी जो हम जैसे कि एक वर्णन करते हैं, ठीक है, जैसे कि यह सिंपल टेंस की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें ऐसी घटनाओं का वर्णन होता है जो बोलते समय घटने वाली होती है, ठीक है, यानी चलती रहती है, ठीक है, हो रही है, चल रही है, या फिर बड़ी देर तक के वो चल रही है, ठीक है। बल्कि उर्नेटिता चटका सिल्ले, परंतु प्रतिदिन की आदत नहीं है, ठीक है। कोई भी कार्य कैसे अभी कंटिन्यू चल रहा है, मगर कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे देखिए पुनमाड़ यानी इसका परिचय यानी इसकी आइडेंटिटी किस प्रकार अपन देख सकते, आइडेंटिटी किस प्रकार हम जान सकते हैं, जैसे कि मीडियाल क्रियाता सेलाते बिस्किट की शेर जेर चेक चेर चोर इच्छोले पस्तुरिंग लाक्सी हंदातांग, यानी इसका मतलब हो जाता है मुख्य क्रिया के अंत में हमेशा शेर जेर चेक चेर चोर इच्छोले पस्तुरिंग लाक्सी हंदातांग, यानी इतने सारे जो प्रत्यय है, ठीक है, ये जो शेर जेर चेक चेर चोर ये जो प्रत्यय है, ठीक है, यानी मुख्य क्रियापद के बाद लगाए जाते हैं, जिस प्रकार गुंडी इंग्लिश लैंग्वेज में आईएनजी प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के बाद, उसी प्रकार गुंडी भाषा में भी मुख्य क्रियापद के बाद ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। सगाजनो, गोंडी भाषा काफ़ी प्राचीन भाषा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग बोली जाती है, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर अच्छे से अध्ययन किया तो मुझे ये वर्ड्स मिले हैं, ठीक है, मैं इन्हीं वर्ड्स का चयन किया है और आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं और आसान शब्दों में, ठीक है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे पर्सन, इधर सब्जेक्ट है, इधर मेन वर्ब प्लस आईएनजी है, इधर हेल्पिंग वर्ब है। अभी पर्सन का मतलब हो जाता है मान्याल यानी व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इधर सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है गोंडी भाषा में कयुमियाल यानी कर्ता। फिर उसके बाद में आता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कि अभी
मुख्य क्रियापद प्लस आईएनजी रूप, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में, और गुंडी भाषा में इसका हो जाएगा मुख्य क्रियापद प्लस जेर चेर जेर चोर चेर शेर जेर, इस प्रकार से, ओके। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए पढ़ते हैं, स्लिप प्लस आईएनजी, यानी ये हो जाएगा स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, यानी मैं अभी सो रहा हूँ। तो गुंडी भाषा में हम बोलेंगे अना सुंजेर मंदोना, ओके। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे मंदोना, मंदोम, मंदोनी, मंदोनीट, मंदोर, मंदा, ठीक है, इस प्रकार से। अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अभी हम फर्स्ट पर्सन में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, ठीक है, सकाज नो, फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंगुलर, यानी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अभी सब्जेक्ट है हमारा अना, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, यानी मैं, अना का मतलब हो जाता है मैं। फिर उसके बाद में हम लेंगे मेन वर्ब लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हंदा, ठीक है, हंदा, हंदा का मतलब हो जाता है जाना, ठीक है, हंदा का मतलब हो रहा है जाना। फिर उसमें हंदा, हंदा का हम जो मूल धातु है, ठीक है, हन, इसको हन का हम चेंज करेंगे, फिर बाद में प्लस लेंगे, हन प्लस जेर, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चलना है, यानी जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल में चलना है, ठीक है, जो भी घटना है वो घट रही है। फिर उसके बाद में हन प्लस जेर लेंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आईएनजी है उसी प्रकार गुंडी भाषा में भी जेर का प्रत्यय लगाते हैं, जैसे कि हन प्लस जेर, यानी हंजेर, यानी जा रहा, इसका मतलब क्या हो रहा, हंजेर, यानी जा रहा। अभी यहाँ पे मंदोना, ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायकारी क्रियापद, ओके, तो ये हो रहा मंदोना, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी सेंटेंस बनाएंगे, अना हंजेर मंदोना, यानी मैं जा रहा हूँ, ओके, मंदोना का मतलब हो रहा हूँ, हंजेर यानी जा रहा या तो जा रही हूँ, ओके। अभी फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के लिए देखिए, अनेकवचन के लिए सेंटेंस, वी का मतलब हो जाता है अमोट, और आई का मतलब अना, ओके, वी यानी अमोट यानी हम। अभी विहा, विहा का मतलब हो जाता है बताना, ओके, बताइए, बताना। अभी इसमें देखिए विहा का हम जो आजो प्रत्यय होता है, इसमें आजो लगता है, ठीक है, आ का हम हमेशा अ करते हैं, ठीक है, विह लेते सिर्फ, विह प्लस इसके बाद में हम चोर प्रत्यय लेते हैं, वह चोर, यानी ये क्या हो रहा हमारा, वह चोर, ये मंदोम, मंदोम हमारा सहायकारी क्रियापद है। फिर हम हमारा सेंटेंस बन जाएगा अमोट वह चोर मंदोम, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा हम बता रहे हैं, ओके। सेकंड सेंटेंस देखिए अभी इसमें, जैसे कि सेकंड पुरुष के लिए हम सिंगुलर वोच, सिंगुलर एकवचनी सेंटेंस, एकवचनी सेंटेंस बनाने का रहा, तो हमें इम्मा लेते हम, तू, यू का मतलब हो जाता है इम्मा यानी तू या तो तुम। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इम्मा के लिए हम मंदोनी, ओके। तो हमारा मुख्य क्रियापद प्लस, यानी मुख्य क्रियापद प्लस आईएनजी रूप, ओके, यानी जो लास्ट वाला जो प्रत्यय उसका चेन देखिए अभी यहाँ पे, मुच्चा, मुच्चाना यानी ढकना यानी कवर करना, ओके, तो मुच्चा का हम आ प्रत्यय निकाल देते, फिर बाद में मुच प्लस चेर, यानी ये क्या हो रहा हमारा मुच्चेर, ओके, मुच्चेर का मतलब हो रहा है ढक रहा, ओके, ढक रहा, ढक रहे हो, मंदोनी का मतलब हो या तो है, यानी आप ढक रहे हो या तो है। अभी सेकंड पर्सन के लिए अनेकवचनी सेंटेंस देखिए, यू, यू का मतलब हो रहा है इम्माट यानी तुम, ओके, यानी बहुत सारे लोग, तो इसका मतलब हो रहा अभी इम्मा, यहाँ पे देखिए मुख्य क्रियापद प्लस आईएनजी रूप, जैसे कि किया प्लस, किया का मतलब हो रहा है करना, ओके, किया मतलब करो, ओके, तो हमारा मूल धातु है किम, फिर बाद में प्लस शेर, सेल प्रत्यय जोड़ा हमने, ये क्या हो रहा, म को निकाल देते यहाँ पे हम, और किसेर यानी कर रहा, ओके, कर रहे, मंदोनीट का मतलब हो यानी तुम कर रहे हो, मंदोनीट का मतलब हो या तो है, ओके। अभी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर एकवचनी सेंटेंस, ही का मतलब हो जाता है और यानी वह, तो अभी सुंजा, सुंजा का मतलब हो जाता है सोना, अभी सोना यानी सुन, अभी यहाँ पे हम मूल धातु लेते हैं सुन प्लस बाद में जेर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो रहा हमारा सुंजेर यानी सो रहा, ओके, मंदोर का मतलब है, तो यानी वह सो रहा है। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर सेंटेंस,
सॉरी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर सेंटेंस यानी महिला के लिए लड़की रहे या तो कोई भी महिला रहे, तो जैसे कि अभी शी का मतलब अधू या यदु, अधू का मतलब हो जाता वह, यदु का मतलब हो जाता यह। ओके, अभी सगा जो नो वड़का का मतलब हमारा हो जाता वड़का यानी बोलना। ओके, तो इसमें हम लेते हैं मुख्य धातु वड़क प्लस उसके बाद में शेर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो रहा हमारा वड़क शेर। और मुख्य क्रियापद सॉरी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हमारा मंदा यानी वड़क शेर मंदा यानी अधु वड़क शेर मंदा यानी वह बोल रही है। तो अभी थर्ड पर्सन में सिंगुलर ये क्वेश्चन सेंटेंस देखिए, अभी यहाँ पे ईट का मतलब हो जाता है हिद हाद हिदू हादू होर। ओके, तो अभी हमारा मुख्य क्रियापद है किया 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 का हम किया प्लस शेर। ओके, किया हमारा एक मुख्य धातु लेते हैं यानी मूल धातु लेते हैं, फिर बाद में शेर प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हो रहा हमारा केसेर। तो इधर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हमारा मंदा मंता या अंधू यानी हादू केसेर मंता यानी वह बोल रही है या तो वह बोल रहा है। ओके, सका जन अभी ठमोट ठीक है, तो अभी यानी एक पुरुष वर्ग का आदमी है ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखिए इसके लिए भी हम जैसे कि एक वचनी वर्ब लेते हैं ठीक है, कोई भी व्यक्ति रहा हम उसके लिए हम हमेशा एक उक्ति एक एक वचनी ये वर्ब लेते हैं। जैसे कि अभी ठम्मो ठम्मो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में हमारा आएगा मुख्य क्रियापद और उसके बाद में सहायकारी क्रियापद। ओके, तीन प्लस जेर तिंदा यानी तिंदा का मतलब हो जाता है खाना। ओके, तिंदा यानी खा, फिर इसमें होता है तीन प्लस जेर यानी तीन का मतलब खा प्लस जेर, जेर का मतलब रहा खा रहा। ओके, मंदोर यानी है, ठम्मो तिंजेर मंदोर यानी वह खा रहा यानी ठम्मो खा रहा है। अभी थर्ड पर्सन में प्लूरल सेंटेंस देखिए, दे का मतलब हो जाता है ओर क्या तो एर यानी ओर का मतलब वे और एर का मतलब ए। अभी सका जन मंदाना मंदाना का मतलब हो जाता है रहना। ओके, मंदा यहाँ पे हम एक मन यहाँ पे मूल धातु लेते हैं मन प्लस जेर यानी मंजेर ठीक है, फिर बाद में उसके बाद में हम मंदोर यानी है। ओके, यानी ओर मंजेर मंदोर यानी वे रह रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा वे रह रहे हैं या तो एर का मतलब ये रह रहे हैं। ओके, अभी थर्ड पर्सन में हम स्त्रियों के लिए यूज करते हैं जैसे कि औ या यू ठीक है, ये हम सब्जेक्ट यूज करते हैं औ या यू, औ का मतलब वे और यू का मतलब ये, यहाँ पर भी दे इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मुख्य क्रियापद फिर बाद में प्रत्यय, उंडा उंडा का मतलब हो जाता है पीना। ओके, फिर इसमें से मूल धातु लेते हैं उन प्लस जेर यानी उंजेर, फिर बाद में अनेकवचनी क्रियापद, ये भी हमारा अनेकवचनी क्रियापद है और ये भी हमारा अनेकवचनी क्रियापद है। ये क्रियापद हमेशा जैसे कि ढेर सारे लोग है ठीक है, महिला भी है इसमें, इसलिए हम ये वर्ब यूज करते हैं जैसे कि मंदांग मंतांग इस प्रकार से आंदुंग भी यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा औ उंजेर मंतांग यानी वे पी रही है, यू का मतलब ये पी रही है। सगा जनो वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से कोशिश करिए देखने का, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। सगा जनो आज हम देखेंगे अभी हम याफिर्मेटिव सेंटेंस ठीक है, याफिर्मेटिव सेंटेंस में हम इंगार इतियार, याफिर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है इंगार इतियार कडिंग और हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा सकारात्मक वाक्यों। ओके, तो इसमें हम आज के सेंटेंस में सिर्फ याफिर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोगेटिव कल पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस उसमें कल पढ़ेंगे। अभी आप देखिए टिप, आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, आई गो टू स्कूल का मतलब हो जाता है मैं स्कूल जाता हूँ, गोंडी भाषा में इसका मतलब हो जाएगा अना गोटुल ते हंदा तो ना यानी मैं स्कूल में जाता हूँ। मगर कैसे, ये प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला यानी मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे कि नेटिय चटका यानी दैनिक आदत। ओके, दैनिक आदत में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं स्नान करता हूँ ठीक है, ये सब सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। मगर हमारे को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलने का रहा तो कैसे, हम बात तो कर रहे हैं मगर कैसे हमारा एक कार्य चल रहा है ठीक है। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए हम आई एम गोइंग टू स्कूल
यानी अना गोटुल ते हंजर मन तो ना, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में मैं स्कूल में जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके तो यहाँ पे हमारा क्या कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे, एक यानी मैं जो व्यक्ति हूँ ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ ठीक है, जाता हूँ नहीं, मैं रोड से निकला हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है हमारा ये कार्य हो रहा है, कैसे कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है। जैसे कि इल पुरो नेटा बेरो में, ओके अभी यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा मंदाना, यानी मंदाना क्या है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है ठीक है, उसी के हम रूप बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। सकाजन इसको हम मुख्य क्रियापद के साथ लगाते हैं, जैसे कि अना, अना के बाद हमेशा हम मंदो ना लगाते हैं, आमोट रहा तो हम मंदोम लगाएंगे, इम्मा रहा तो मंदोनी, इम्माट रहा तो मंदोरेट, और रहा तो मंदोर, और रहा तो मंदोर, इधु या अधू रहा तो मंदा, यू या और रहा तो मंदा। ओके सकाजनो अब हम सेंटेंस के थ्रू आपको पढ़ाने वाले हैं ठीक है, आप लोग बराबर इसको ध्यान से सुनेगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे कि अभी अना जंतरुलियाल बने कियाले करिमाड किसेल मंदोना, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में मैं तकनीशियन बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। इंग्लिश आई एम स्टडिंग टू बिकम अ टेक्नीशियन। जंतरुलियाल का मतलब हो जाता है तकनीशियन यानी टेक्नीशियन। ओके टेक्नीशियन। अना का मतलब मैं, बने कियाले का मतलब हो जाता है बनने के लिए, और करिमाड का मतलब पढ़ाई, और किसेर मंदो ना क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किसेर मंदो ना यानी कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसमें जम्मो पाटा वारसेर मंदा, अभी जम्मो क्या है ये गाना गा रही है। ओके जम्मो पाटा वारसेर मंदा, जम्मो गाना गा रही है, इंग्लिश जम्मो सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर कार्य क्या है, ये गाने का कार्य हो रहा है, मगर कैसे वो चल रहा है। सगाजनो वाराना का मतलब हो जाता है सिंग यानी गाना। ओके वारसेर मंदा यानी गा रही है, पाटा का मतलब गाना। नेक्स्ट सेंटेंस और क्या तो एर वित्तासेर मंदोर यानी और वित्तासेर मंदोर। सगाजनो बहुत कुछ लोगों ने ये वर्ड सुने भी नहीं होंगे ठीक है, उनको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होंगी, आप लोग इसे हैंडल कर लेना ठीक है, आप लोग इसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। यानी वे या तो ये दौड़ रही है, इंग्लिश दे आर रनिंग। वित्ता ने डयाना का मतलब हो जाता है दौड़ना, ये हमारा वर्ब है। वित्ता प्लस शेर यानी क्या हो रहा हमारा शेर क्या, जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में रन है ठीक है, रन को हमने आईएनजी प्रत्यय लगाया है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी गुंडी भाषा में शेर प्रत्यय लगाते हैं, यानी कि हमारी भाषा भी एक स्वयंपूर्ण भाषा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी अना नावर संगीतून उन्दी आके लेख शेर या तो लेख दे के मंदो ना, यानी मैं मेरे दोस्त को एक पत्र लिख रहा हूँ। इंग्लिश आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड। सकाजन वर्ब है हमारा लेखाना यानी लिखना ठीक है, तो लेख शेर या तो लेख दे के, सकाजनो कुछ जगह पर लेख दे के भी बोलते हैं ठीक है, ये भी इसका भी मतलब हो जाता है लिखते के मंदो ना यानी लिख रहा हूँ। ओके या फिर लाइक यानी इसके बाद में लाइक को क्या जोड़ा है, ते के प्रत्यय जोड़ा है। ओके सगाजनों गुंडी भाषा में कम से कम 5 से 6 प्रत्यय जुड़ते हैं जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे कि लाइक है तो यहाँ पर हमने देखे अभी शेर प्रत्यय जोड़ा है, मगर कैसे शेर किसको जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे क है, अगर समझ लो कोई लेक चेर इस प्रकार भी बोल सकते हैं ठीक है, शेर है, जेर है, चोर है, चेर है, इस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आईएनजी प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हुड़ा हुड़ा और इंगा पुना टाई पुनसेर मंदोर। देखो वह अभी नया टाई पहन रहा है। इंग्लिश लुक ही इज वेयरिंग अ न्यू टाई राइट नाउ। यानी हुड़ा का मतलब हो जाता है देखो, और इंगा यानी वह अभी पुना टाई यानी नया टाई पुनसेर मंदोर यानी पहन रहा है। ओके पुनसेर पुंडाना का मतलब हो जाता है पहनना, दूसरा वर्ब भी हमारे पास कराना का मतलब भी हो जाता है पहनना। ओके पहन रहा है पुनसेर यानी पुंडा का हमने अप्रत्यय निकाल दिया, फिर उसमें पुंड यानी अप्रत्यय
ठीक है, पोन प्लस सेर यानी पोन सेर मंदोर यानी पहन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जम्मो उंडे ठम्मो गर्स मरियान परु मंदांग और इंगा बास्केटबॉल गर्सेर मंदांग। इसका मतलब हो जाएगा जम्मो और ठम्बो प्ले ग्राउंड पर है, वे अभी बास्केटबॉल खेल रही है, गर्सेर मंदांग यानी खेल रही है। सकाजनो सब्जेक्ट हमारे पास दो है, इसलिए हमारे को सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारे को अनेक वचनी वर्ब लेना है। इंग्लिश जम्मू एंड ठम्मो आर दी प्ले ग्राउंड, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस आमो टिंगा मावर नरमुली थे सुंजर या तो सुंजते के मंदोम, हम अभी हमारे बेडरूम में सो रहे हैं। आमो टिंगा मावर्क नरमुरी थे सुंजर मंदोम, सुंजाना हमारा सुंजाना का मतलब हो जाता है सोना, ओके सुन प्लस जेर, ओके सुन प्लस जेर यानी सो रहे है, हम अभी हमारे बेडरूम में सो रहे। इंग्लिश वी आर स्लीपिंग इन अवर बेडरूम राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी उरुंदीगन केड़ा जवा बारे तुड़क्सर मंदोर यानी प्रत्येक व्यक्ति सफल के बारे में बात कर रहा है। थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस है सगा जो ये सारे के सारे सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रिप, उरुंदीगन का मतलब हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति, केड़ा जावा का मतलब हो जाता है शहर सफर या तो ट्रिप, भारत यानी के संबंध में, ओके भारत ते उड़ुक्सेर मंदोर यानी बात कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति, ओके प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार ही हम यहाँ पे जैसे कि हमने वर्ब लिया है सिंगुलर वर्ब लिया है, ओके। सकाजनो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। सकाजनो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गोंडवाना।